Hello students, this is 16th lecture of modules and first lecture of module homomorphism. जैसे आप group homomorphism पढ़े थे, ring homomorphism पढ़े थे, field homomorphism पढ़े थे, linear space homomorphism पढ़े थे, वैसे ही module homomorphism है, उसी तर्ज की चीज है, कुछ भी विशेष नहीं है, बस concept module का है और group में group का concept होता है. डेफिनेशन देखो तो बात समझ में आ जाएगी आपके. लेट कैपिटल एम एंड कैपिटल एम डैश बी टू मॉड्यूल्स, माने लेफ्ट मॉड्यूल्स, टू मॉड्यूल्स ओवर द सेम रिंग आर, ओवर द सेम रिंग आर, यानी ये भी आर मॉड्यूल है, ये भी आर मॉड्यूल है. Then a mapping f from m to m dash is said to be a homomorphism. हाँ, ये मॉड्यूल ले रहे हैं ना, तो यही हो गया मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म. इज सेट टू बी अ होमोमॉर्फिज्म, लिख रहे हैं मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ना लिख के सिर्फ होमोमॉर्फिज्म. इज सेट टू बी अ होमोमॉर्फिज्म इफ, पहली शर्त, नंबर वन नंबर टू करके नहीं ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, इफ नीचे लिखे एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू डोमेन एंड f of r dot x equal to r dot f of x for all r belonging to capital R for all x belonging to capital M. Yeah. These two conditions can be grouped in single condition. तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, in other words f is a homomorphism if f of r dot x plus s dot y equal to r dot f of x plus s dot f of y for all r comma s belonging to capital R semicolon x comma y belonging to domain. ये इन दो conditions को हमने single में convert कर दिया. तो ये दो बार कौन दिखाए, इसी को दिखाए करेंगे. ऐसे ही linear space homomorphism में भी same इसी definition है, है ना. अगर आप याद करें, काइंड्स, इसको हम दो ग्रुप में बांट रहे हैं. ग्रुप ए, लेट एफ फ्रॉम एम टू एम डैश बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म. देन, यानी होमोमॉर्फिज्म है, अब उसका काइंड्स देखिए. देन नंबर वन, एफ इज कॉल्ड अ मोनोमॉर्फिज्म if it is one one, if it is injection, if it is injection or injective mapping or one one, if it is injection, that is one one mapping. Number two, f is called an epimorphism if it is onto, if it is surjection or surjective mapping, that is onto mapping. अब जो मोनोमॉर्फिज्म भी हो, इपीमॉर्फिज्म भी हो, उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं.
Third, F is called an isomorphism if it is bijection or bijective mapping, that is 1-1 and on 2. Yes. B. Dusra class B. Pahla. A homomorphism F from M to M, यानी domain को domain same हो गया. ऐसा homomorphism जिसका domain को domain same हो, उसे endomorphism कहते हैं. Is called an endomorphism. Endomorphism. Second, an isomorphism F from M to M dash. M to M. ऐसा isomorphism जिसका domain codomain समान हो, उसको automorphism कहते हैं. Is called an automorphism. ये मेन कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, काइंड्स हैं. इतना तो आपको जानना ही चाहिए. इसका वो यूज करें ना करें, कम करें ज्यादा करें, लेकिन ये आपको जानना चाहिए. होमोमॉर्फिज्म का कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन विच आर मैप्ड ऑन जीरो ऑफ कोडोमेन इज कॉल्ड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. लेट एफ फ्रॉम एम टू एम डैश बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म. Then its kernel is defined by KER bracket में F. एक notation तो ये है kernel of F, और इसको capital K से भी denote करते हैं. It is equal to curly bracket X belonging to domain M such that F of X equal to theta dash. चूंकि इस सेट के सारे एलिमेंट M से लिए गए हैं, इसलिए ये सेट M का सबसेट होगा. कॉमा थीटा डैश के बारे में लिखिए. वेयर थीटा डैश इज जीरो ऑफ कोडोमेन. M डैश का जीरो है. मॉड्यूल थ्योरी में शुरू से ही हम डोमेन के जीरो को थीटा और कोडोमेन के जीरो को थीटा डैश से डिनोट करते हैं. यही है कर्नल. इसके बाद हम लोग पढ़ें, अब वन बाई वन आपको बता रहे बेसिक प्रॉपर्टीज, ये जानना जरूरी है, फिर थ्योरम थियरी को आगे बढ़ाएंगे. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म. लेट एफ फ्रॉम एम टू एम डैश बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म. देन पहली प्रॉपर्टी, Zeros correspond. That is, if theta and theta dash are zeros, zero किसको कर रहे समझना, additive identity को, are zeros of M and M dash respectively. Then थीटा की इमेज थीटा डैश होती है. एफ ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा डैश, यानी देयर इज करस्पॉन्डेंस बिटवीन जीरोज, ये इसका मतलब है. सेकंड, एडिटिव इनवर्सेस करस्पॉन्ड. एडिटिव इनवर्सेस करस्पॉन्ड
that is f of minus x equal to minus f of x for all x belonging to domain M. And third property is f of x minus y equal to f of x minus f of y for all x y belonging to domain. इन्हें हम वन बाई वन प्रूव करेंगे. प्रूव करना जरूरी है, इसी से थ्योरी समझ में आती है ना, थ्योरी का जो मैकेनिज्म समझ में आता है, रेसा रेसा क्लियर होता है. बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है. प्रूफ वन बाई वन. पहला यहां शुरू करिए. थीटा इज जीरो ऑफ डोमेन, थीटा इज जीरो ऑफ कैपिटल एम. इट मीन्स दैट एक्स प्लस थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू थीटा प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम इंप्लाइज दैट. चूंकि f होमोमॉर्फिज्म है इसलिए ये वेल डिफाइंड मैपिंग है, और मैपिंग अगर वेल डिफाइंड, जैसे कोई भी कोरिस्पोंडेंस अगर वेल डिफाइंड मैपिंग है तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स के बराबर होने से उनकी इमेजेस भी बराबर होगी. ये अलग से इस बात को समझ लीजिए. एक्स वन एक्स टू, एक्स वन की इमेज f ऑफ एक्स वन, एक्स टू की इमेज f ऑफ एक्स टू, ठीक अंडर f. अगर इन दोनों को हम बराबर कर दें और इन दोनों को बराबर ना करें तो क्या हो जाएगा? वन मेनी करेस्पॉन्डेंस हो जाएगा. वन मेनी करेस्पॉन्डेंस मैपिंग नहीं होता है. f मैपिंग रहे इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही आपने दो एलिमेंट्स को बराबर किया उनके इमेजेस भी चटाक से बराबर हो जाए. ऐसा होने पर ही हम कहते हैं कि दिस करेस्पॉन्डेंस इज वेल डिफाइंड मैपिंग. f ऑफ x प्लस थीटा इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ थीटा प्लस x. f ऑफ x कारण यहां पे लिख दो, सिंस f इज वेल डिफाइंड. क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि f इज गिवन टू बी होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होता है, वेल डिफाइंड मैपिंग होता है. उसके डिफाइंड होने में कोई संकट सुभा तो नहीं होता. चूंकि f होमोमॉर्फिज्म है इसलिए f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y होगा. तो वही प्रिजर्वेशन कराइए. इंप्लाइज दैट f ऑफ x प्लस f ऑफ थीटा इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ थीटा प्लस f ऑफ x कामा f ऑफ x बिलोंग्स टू कोडोमेन m डेस. और लॉजिक लिखिए ऐसा किस आधार पे किया आपने, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म. अब गौर से देखिए ये सारे एलिमेंट्स कहां के हैं? एम डेस के. एम डेस की आर्बिट्रेरी एलिमेंट एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स क्या चीज है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एम है. तो एक्स की जो इमेज है वो एम डेस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट हुआ. एम डेस की आर्बिट्रेरी एलिमेंट में एफ ऑफ थीटा, चाहे हम दाहिने से जोड़ रहे हैं चाहे बाएं से जोड़ रहे हैं, एलिमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है. इसका मतलब f ऑफ थीटा जीरो की भूमिका में है. इंप्लाइज दैट f ऑफ थीटा इज जीरो. किसका जीरो है? f ऑफ थीटा इमेज होने के नाते किस में रहेगा? m डैश में. जीरो ऑफ m डैश. शुरू में स्टेटमेंट में आपने लिखा है ना कि इफ थीटा एंड थीटा डैश आर जीरोज ऑफ m एंड m डैश, तो m डैश के जीरो को आपने थीटा डैश घोषित किया हुआ है, तो वही लिख दीजिए. अर्थात f ऑफ थीटा है जीरो ऑफ m डैश माने थीटा डैश. यही तो प्रूव करना था. इसको आप स्कीमेटिक डायग्राम से ऐसे बता दें. मॉड्यूल में जीरो जरूर होगा, इनमें करेस्पॉन्डेंस होगा. ये कौन सा करेस्पॉन्डेंस? जो मैपिंग है f, यानी f ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा डैश. देयर इज ए करेस्पॉन्डेंस बिटवीन जीरोज ऑफ m एंड m डैश. यही प्रूव करना था कि डोमेन m के जीरो की इमेज को डोमेन के का जीरो होगा. ये पहला हो गया.
नंबर टू एडिटिव इनवर्सेस करिस्पॉन्ड लिखा हुआ है, एडिटिव इनवर्सेस करिस्पॉन्ड। सेकंड, माइनस एक्स इज द एडिटिव इनवर्स, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, और एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट है डोमेन एम का। इंप्लाइज दैट डेफिनेशन, बाई डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी, ऑल्सो इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एम, है ना। जैसे कि मान लो ये लिखा एक्स इक्वल टू वाई, मान लो लिखा है एक्स इक्वल टू वाई, तो हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। किस अधिकार से? क्योंकि एफ वेल डिफाइंड है। एफ वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि एफ दिया हुआ है कि होमोमार्फिज्म है। इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स। लॉजिक लिख दो, सिंस एफ इज वेल डिफाइंड, प्रिजर्व कराइए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई डेफिनेशन ऑफ होमोमार्फिज्म। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, इसको एफ ऑफ थीटा रहने दो, मन करे थीटा डैश लिख दो, इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कोडोमेन एम डैश। ये सब एलिमेंट कोडोमेन एम डैश के हैं। देखो ध्यान से, एम डैश के इस एलिमेंट में, ये देखो, इस एलिमेंट को बाएं से जोड़े चाहे दाहिने से जोड़े, आ क्या रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये किस भूमिका में है? इट प्लेज द रोल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट, यही मैं लिखने जा रहा हूं। इंप्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज द एडिटिव इनवर्स, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। दैट इज एडिटिव इनवर्स माने निगेटिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माने निगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स है निगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम। यही प्रूव करना था आपको, फिर डायग्राम से इस बात को और स्पष्ट करना, अच्छा लगेगा आपको। एक्स और इसका एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स, एक्स की इमेज कौन? एफ ऑफ एक्स। माइनस एक्स की इमेज कौन? एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आपने क्या प्रूव किया कि एक्स के एडिटिव इनवर्स का इमेज, एक्स के इमेज का एडिटिव इनवर्स होता है। माने ये कौन है? दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इमेज, एडिटिव इनवर्स ऑफ माने निगेटिव ऑफ, यही प्रूव किया आपने। तो देखो, इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इसका एडिटिव इनवर्स ये है। तो क्या हुआ? एडिटिव इनवर्सेस करिस्पॉन्ड, देयर इज ए करिस्पॉन्डेंस बिटवीन एडिटिव इनवर्सेस। किसके किसके एडिटिव इनवर्सेस? एलिमेंट के और एलिमेंट के इमेज के। तो ये सेकंड था। थर्ड, थर्ड बहुत सिंपल है, जैसा ये है ना, अभी प्रूव किया आपने एडिटिव इनवर्सेस करिस्पॉन्ड, इसी का यूज करना। देखो कैसे, थर्ड एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू एम। लॉजिक लिखिए, सिंस एफ इज होमोमार्फिज्म, होमोमार्फिज्म का डेफिनेशन अप्लाई किया हमने, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। f ऑफ माइनस वाई कितना होगा? माइनस f ऑफ वाई, माइनस f ऑफ वाई फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू कैपिटल M। दिस इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा? माइनस f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू कैपिटल M। तीसरा भी प्रूव हो गया। थोड़ा वेल डिफाइंड मैपिंग को हम एक बार और आपको समझाना चाहेंगे, क्योंकि
मॉड्यूल को पढ़ने वाले बच्चे निश्चित रूप से बड़े बच्चे होंगे, मैच्योर्ड बच्चे होंगे, और उनको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखते तो है वेल डिफाइंड मैपिंग, लेकिन दरअसल हम कहते हैं कि करस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड मैपिंग कब होगा, मैपिंग वेल डिफाइंड मैपिंग कब होगा, ऐसा ना कह के अगर हम कहें दिस करस्पॉन्डेंस इज वेल डिफाइंड मैपिंग, तो देखें जरा सब इस बात को समझें, हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। वेल डिफाइंड मैपिंग किस प्रकार के करस्पॉन्डेंस को हम मैपिंग कहते हैं, पहले तो आप ये समझिए, बहुत ही बुनियादी बात समझिए। ए और बी के बीच में करस्पॉन्डेंस है एफ, तो किस प्रकार के रिलेशन को, करस्पॉन्डेंस को हम मैपिंग कहेंगे, पहले तो उसमें दो डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन नंबर वन, इसमें कोई भी इनर्ट एलिमेंट ना हो, यानी इसमें जो भी एलिमेंट हो वो इसके किसी एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस करे। इसमें जो भी एलिमेंट है सारे के सारे, ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट मस्ट बी इन अ करस्पॉन्डेंस विथ सम एलिमेंट ऑफ दिस, नंबर एक डिसिप्लिन। नंबर टू, कि ये करस्पॉन्डेंस वन में ही नहीं होना चाहिए, यानी इसके एक एलिमेंट का करस्पॉन्डेंस इसके एक से अधिक एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। दो बातें याद आ गई दिमाग में आपके, बताइए। अब देखो, लेट अस कंसीडर अ करस्पॉन्डेंस F from A to B such that F of X equal to Y for all X belonging to A. ध्यान से पढ़िए इसको। कैपिटल A के सभी एलिमेंट्स X के लिए, कैपिटल B में एक एलिमेंट Y है, इस प्रकार से कि X corresponds Y, माने X और Y के बीच में करस्पॉन्डेंस है, समझ रहे हैं ना। तो इस बातचीत में कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए, ये ए है ये बी है, आप जो ये लिखे हुए हो इस लिखावट में स्पष्ट रूप से ए के सारे एलिमेंट की बात कर रहे हो आप, तो इसमें कोई एलिमेंट इनर्ट एलिमेंट होगा क्या, नहीं, सारे एलिमेंट आ गए। मैंने दो डिसिप्लिन बताया था कि डोमेन में कोई इनर्ट एलिमेंट ना हो और वन मैनी करस्पॉन्डेंस ना हो, तो इनर्ट एलिमेंट नहीं है डोमेन में, ये सेंटेंस आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं एक्स वो किसी वाई से करस्पॉन्डेंस रखते हैं, लेकिन इस लिखावट में इस पर कोई चेक नहीं लगा हुआ है कि दिस करस्पॉन्डेंस इज नॉट वन मेनी, वही चेक लगाने के लिए जो वेल डिफाइंड की बात की जाती है। अब हम लिख रहे हैं This correspondence will be a well-defined mapping. भली भांति परिभाषित well-defined mapping if x1 equal to x2 implies that f of x1 equal to F of X2, ये समझ बात आई। जैसे ही आप A के दो एलिमेंट्स को आपने बराबर किया X1 equal to X2, तो ये F of X1, F of X2 ये दोनों भी चटाक से बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए फटाफट। ये X1 equal to X2 करने से F of X1 equal to F of X2 हो जाए, तब देखो वन मेनी पर चेक लग गया कि नहीं, और X1 इक्वल टू X2 होने से अगर इमेजेस बराबर नहीं हुए तो ये करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, वन मेनी, और जो इमेजेस बराबर हो गए तो वन मेनी होने पर चेक लग गया, तो चेक लगा दिया हमने। दो चेक होता है, दो डिसिप्लिन होता है, दोनों डिसिप्लिन आ गया। पहला डिसिप्लिन कि डोमेन में कोई इनर एलिमेंट ना हो, वो इस सेंटेंस में यहाँ पे क्लियर है, और दूसरा चेक ये लग गया कि दो एलिमेंट्स के बराबर होते ही इमेजेस भी बराबर हो जाने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये करस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड मैपिंग है। इसी चीज को चलन में ऐसे कहा जाता है
कि तब हम कहेंगे कि ये मैपिंग वेल डिफाइंड मैपिंग है। तो थोड़ा सा हमको अटपटा लगता है ऐसा कहने में, लेकिन ये चलन में है, ये मैपिंग वेल डिफाइंड मैपिंग है। हमें ऐसा लगता है इसको कहना चाहिए ये करिस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड मैपिंग है। तो आप बड़े बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए ताकि इसको आप इंटरमीडिएट के, बीएससी फर्स्ट ईयर के भी बच्चों को क्लियर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे कि एक होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है वो 1-1 कब होगा। होमोमॉर्फिज्म 1-1 कब होगा, आइए हम लोग इसको पढ़ें। थ्योरम, लेट एफ फ्रॉम एम टू एम डैश बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, देन एफ इज 1-1। ध्यान रहे ये होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, कोई होमोमॉर्फिज्म 1-1 होने जा रहा है, यानी कि वो क्या होने जा रहा है, मोनोमॉर्फिज्म। तो यहां चाहो तो ब्रैकेट में आप लिख लो दैट इज मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ इट्स कर्नल इज इक्वल टू सिंगलेटन थीटा। प्रूफ, इफ एंड ओनली इफ लगा है तो प्रूफ के दो पार्ट होंगे, तो मैं इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट ऐसा करते हुए प्रूफ लिख दे रहा हूं। इफ पार्ट, इफ पार्ट पकड़ने का तरीका, इफ पार्ट जानने का तरीका यह है कि पूरा स्टेटमेंट आप पढ़िए, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ आप इफ पढ़िए, इफ समझिए। तो आप पढ़िए एफ इज 1-1 इफ कर्नल इज सिंगलेटन थीटा, यानी यदि सिंगलेटन थीटा हो कर्नल तो होमोमॉर्फिज्म 1-1 होगा। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि कर्नल इज सिंगलेटन थीटा, सिद्ध करना है कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज 1-1। तो अब एक तरीका तो हम लिखें गिवन टू प्रूव, प्रूफ हाई स्कूल स्तर की बातचीत होती है, इसमें जो गिवन होता है उसको हम लेट करके लिख देते हैं, लेट ऐसे लेट के इक्वल टू सिंगलेटन थीटा, इट मीन्स के इक्वल टू सिंगलेटन थीटा, दिस फैक्ट इज गिवन, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज 1-1। अब कोई भी मैपिंग 1-1 कब होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो हम समझाते हैं इसको, एक्स वन एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ एक्स टू, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ऐसे। दूसरा फिगर देखें, एक्स वन एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को हमने इक्वल कर दिया। दो इमेजेस के बराबर होते ही अगर प्री इमेजेस बराबर नहीं हुए तो क्या सिचुएशन आपके सामने है, मेनी वन, और मेनी वन करेस्पॉन्डेंस ये मैपिंग में पॉसिबल है। मैपिंग या तो 1-1 होता है या तो मेनी वन होता है। इसी प्रकार से दूसरा क्लासिफिकेशन, मैपिंग या तो इन टू होता है या तो ऑन टू होता है। ठीक, दो इमेजेस के बराबर होते ही अगर प्री इमेजेस बराबर नहीं हुए तो ये मेनी वन हो जाएगा। और जो इस चीज पर, इस बात पर हम चेक लगा दें कि दो इमेजेस के बराबर होते ही प्री इमेजेस भी बराबर हो गए तो मैपिंग क्या होगा, मेनी वन नहीं होगा तो क्या होगा, 1-1 होगा। तो 1-1 होने के लिए यही क्राइटेरियन है, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इंप्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ये 1-1 होने के लिए क्राइटेरियन है, मानदंड है। और ठीक इसका उल्टा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होने से एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो जाए तो ये करिस्पॉन्डेंस को वेल डिफाइंड मैपिंग होने की शर्त है। नाउ अब हम शुरू करेंगे यहां से, दो इमेजेस को बराबर कर लो, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और इंप्लाइज कराते चलो, पहुंचना कहां, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू पे, इस दी हुई चीज के माध्यम से, दिए हुए तथ्य के माध्यम से, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू थीटा डेस। ठीक ना, क्योंकि ये सब कहां के एलिमेंट है, कोडोमेन के, जहां इमेजेस हैं सब। बेसिक प्रॉपर्टीज का तीसरा वाला, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा ना, ये इक्वल टू थीटा डेस।
डोमेन का जो एलिमेंट थीटा डैश पर मैप्ड हो वो एलिमेंट कहां रहता है? कर्नल में. दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल. सो दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू k. लेकिन दिया हुआ है कि k में केवल एक एलिमेंट है, जीरो. इसलिए x1 माइनस x2 जीरो हो गया. x1 माइनस x2 इक्वल टू थीटा. एंड कारण लिखना चाहे लिख दे, सिंस कर्नल इक्वल टू सिंगलेटन थीटा इट इज गिवन. दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2. ये देखो, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2. देयरफॉर f इज 1 1, एक पार्ट हो गया. अब इसका कन्वर्स पार्ट ओनली पार्ट हो जाएगा. Only part. Let f be 1 1. Then theta is the only element of domain M which is mapped on. Which is mapped on theta dash. इस सोचने की बात है. अगर आप तुरंत सोच पा रहे हैं तो ठीक, नहीं मैं देखो डायग्राम बना के आपको सोचवा देता हूं. ध्यान रखना इसी पर कि जो मैपिंग है वन वन मैपिंग है. वन वन मैपिंग समझते हो ना? ये देखो m, m dash, ये दोनों मॉड्यूल्स हैं तो दोनों में जीरोज होंगे. और हम ये पढ़ चुके हैं कि जीरोस करिस्पॉन्ड, यानी ये तो होगा ही होगा. ये तो होगा ही होगा बिकॉज वी नो दैट अंडर होमोमॉर्फिज्म जीरोस करिस्पॉन्ड. नेक्स्ट, चूंकि मैपिंग वन वन है, मैपिंग वन वन है. अब समझिए, मैपिंग वन वन है तो क्या किसी और भी एलिमेंट का इमेज थीटा डैश होगा? थीटा का इमेज थीटा डैश होगा ही होगा. क्या किसी और एलिमेंट का इमेज थीटा डैश होगा? यदि किसी और का इमेज थीटा डैश होने लगे तो ये वन वन नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा. चूंकि ये वन वन है ना, इसलिए लिखा हुआ ना कि इसलिए थीटा इज द ओनली एलिमेंट ऑफ एम विच इज मैप्ड ऑन थीटा डैश. तो कर्नल किसको कहते हैं? कर्नल इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन विच आर मैप्ड ऑन थीटा डैश. तो ऐसे कितने एलिमेंट हुए? सिंगलेटन थीटा. क्लियरली स्पष्टता k इज इक्वल टू सिंगलेटन थीटा, ये प्रूव हो गया. अब इस कर्नल का नेचर भी पढ़ लें हम लोग, तो ये एक वीडियो मुकम्मल हो जाएगा. एक चैप्टर कर रहे हो, एक लेक्चर. नेचर ऑफ कर्नल हम पढ़ने जा रहे हैं. नेचर ऑफ द कर्नल. Let f from m to m dash be a module homomorphism. Then its kernel k is a submodule of domain m. ये इसका नेचर होता है. इसको हम पढ़ने जा रहे हैं. प्रूफ सिंपल है, बहुत आराम से पढ़िए. इन्हीं थ्योरम से मिलते जुलते थ्योरम आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी पढ़े हुए हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म में भी पढ़े हुए हैं, लीनियर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म में भी पढ़े हुए हैं. आइए देखें इसका प्रूफ. प्रूफ कर्नल को पहले लिख दीजिए. कर्नल इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन विच आर मैप्ड ऑन जीरो ऑफ कोडोमेन. चूंकि इसके सारे एलिमेंट एम से लिए गए हैं इसलिए ये सेट एम का सबसेट होगा. थीटा डैश के बारे में बता दें भाई, क्या चीज है नोटेशन जो आपने यूज किया है? वेयर थीटा डैश इज जीरो ऑफ कोडोमेन एम डैश. चूंकि कर्नल डोमेन का सबसेट है इसलिए इसी का सब मॉड्यूल भी होगा. We have to prove that K is a submodule of M.
नंबर एक, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू एलिमेंट्स, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एम, सॉरी ऑफ के, जिसको हम सब मॉड्यूल प्रूव करना है। सब मॉड्यूल का क्राइटेरियन याद है ना, के सब मॉड्यूल कब होगा, जब के के किन्हीं दो एलिमेंट्स का डिफरेंस भी के में हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि रिंग का एलिमेंट इनटू के का एलिमेंट बिलोंग्स टू के, एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर ला होल्ड करे। देन चूंकि एक्स और वाई कर्नल के एलिमेंट है, इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, थीटा डैश, और एफ ऑफ वाई भी बराबर कितना होगा, थीटा डैश, ही हो गया नंबर वन। क्या नंबर वन, छोड़ो ऐसे रहने दो। नाउ हमें शो करना है कि एक्स माइनस वाई के में है, तो एक्स माइनस वाई के में तब होगा जब एक्स माइनस वाई की इमेज थीटा डैश होगा। तो आओ ये चीज चेक कर लें हम। नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई बाई थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी। एफ ऑफ एक्स थीटा डैश है, माइनस फिर थीटा डैश, इक्वल टू थीटा डैश। एक्स माइनस वाई की इमेज थीटा डैश, इसलिए एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू के। तो ये एनी टू एलिमेंट्स के लिए ये बात आई है, तो ऐसे ही हो गया फॉर ऑल। जैसे चाहे तो इसको एक बार ऐसे भी लिख दो, दस एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू के फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू के। एक कंडीशन हम फुलफिल करा के दिखा दिए सब मॉड्यूल होने के लिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा इधर बगल में लिख दे रहा हूं। लेट स्मॉल आर बी एनी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल, सॉरी कैपिटल के। देन अगर एक्स के का एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा डैश होगा। नाउ हमें दिखाना है कि आर डॉट एक्स भी कर्नल में होगा। यह तभी संभव है जब एफ ऑफ आर डैश आर डॉट एक्स इक्वल टू थीटा डैश हो जाए। तो इसी को निकाल के चेक करो। नाउ एफ ऑफ आर डॉट एक्स इक्वल टू, ठीक, होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन में आप क्या लिखे थे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू डोमेन, और आप लिखे थे एफ ऑफ आर डॉट एक्स इक्वल टू आर डॉट एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू रिंग आर एंड एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। तो इसी वाले की हम जरूरत हमें पड़ गई, इसी का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। तो जाएगा आर डॉट एफ ऑफ एक्स, और लॉजिक हम लिख दे रहे हैं सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू आर डॉट एफ ऑफ एक्स इज थीटा डैश। आर डॉट थीटा डैश थीटा डैश के बराबर होगा, ये मॉड्यूल की बेसिक प्रॉपर्टीज आप पढ़े हुए हो गया। अब ये फॉर एनी था, फॉर ऑल करके जनरलाइज कर दो। दस एफ ऑफ आर डॉट एक्स इक्वल टू थीटा डैश फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर एक्स बिलोंगिंग टू के इंप्लाइज दैट आर डॉट एक्स बिलोंग्स टू के फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर एक्स बिलोंगिंग टू के। ये दूसरा हो गया। इन्हीं दोनों रिजल्ट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्नल इज अ सब मॉड्यूल ऑफ डोमेन एम। फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली We conclude that K, जो कि डोमेन M का सबसेट है, इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M। ये रहा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, और ये होमोमॉर्फिज्म भी जारी रहेगा अगले वीडियो में भी। थैंक यू।